हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, शोरूम नंबर 7 ऑपोजिट गुलमोर सिटी डेराबसी में है। पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक मरीजों के लिए एक वरदान है। डॉक्टर रश्मि जी और डॉक्टर हितेश जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों की देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक में क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों का इलाज भी होता है। यहाँ पर गंजेपन का सफल इलाज साउंड थेरेपी के द्वारा, अनचाहे बालों का सफल इलाज साउंड थेरेपी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के नशा छुड़वाने का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। हमारी टीम ने डॉक्टर हितेश जी से बातचीत की, जिन्होंने पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक डेराबसी। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज आप आए हैं पॉल्स क्लिनिक, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ दोनों हस्बैंड और वाइफ एक ऐसी सेवा कर रहे हैं कि ना केवल डेराबसी बल्कि अम्बाला, बल्कि दिल्ली, बल्कि भवानी, बल्कि हिमाचल, बहुत दूर दूर से पेशेंट आकर इनसे परामर्श करते हैं, इनसे मेडिसिन लेते हैं और एक नई ज़िंदगी डाल पाते हैं। और अभी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी जिसमें प्लांट बेस्ड है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी वेजिटेरियन लोग हैं जो इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी सौगात है कि ये प्लांट एक्सट्रैक्शन के साथ बनी हुई पैथी है और इस पैथी के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट्स हैं। और आप लोगों ने इनको चार चांद लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने ये सफ़र शुरू किया और कैसे आप आज ब्रांड बने हुए हो और पंजाब ही नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैल चुकी है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपका जो चैनल है हमें कवरेज दे रहा है। ये भी एक किस्म से सेवा का ही प्रोग्राम है, क्योंकि आप हमारी बातें जन जन तक और बड़ी दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों को हम भी यही बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो सफ़र है वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, हम दोनों की एक क्वालिटी है कि जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं। हमने अपनी एजुकेशन एक साथ ली, जीवन का सफ़र एक साथ शुरू किया और आगे जो लोगों की सेवा का प्रोग्राम है इस इलेक्ट्रोपैथी के जरिए हम दोनों ने साथ ही शुरू किया। ना सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी के, जैसे मैम ने गाइडेंस एंड काउंसलिंग में साइकोलॉजी से किया हुआ है और मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है, तो हम यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बाद में हम सोचते हैं, सबसे पहले एक जो काउंसलिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर, अगर हम बात करें, आपने अपना लाइफ का जब शुरुआत की थी, आपने डिप्रेशन के हज़ारों मरीजों को जो है नई ज़िंदगी दी है, आपने और आपकी वाइफ ने, क्या कहना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी आप दे रहे हैं अभी भी? क्योंकि डिप्रेशन है या माइंड रीडिंग है, वो आपके पास एक कला थी और उसके साथ आपको वो पद्धति मिल गई जिसके साथ आप मेडिसिन के फील्ड में भी आ गए, ये सोने पे सुहागा हम समझ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो होम्योपैथी थी वो पहले ही जो है एविडेंस बेसिस है और उसके बीच में आपके सिम्टम्स के साथ आप मेडिसिन देते हैं लोगों को और इस पैथी का और आपका एक नौ मास वाला रिश्ता बन गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं मेरे बारे में पूरा डाटा इकट्ठा करके लाए हैं। मुझे खुशी हुई कि आपने पूरा एक डाटा इकट्ठा किया। आपने सही कहा कि मैं एक फेस रीडर भी हूँ, फेस देखकर मैं बता सकता हूँ कि भी क्या चीज़ें हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोपैथी एक जो पैथी है, जो प्लांट 114 प्लांट्स की थेरेपी है, तो इसमें ना सिर्फ डिप्रेशन के केसेस, क्योंकि आज की डेट में हालात ऐसे हो चुके हैं और पेंडेमिक के बाद तो डिप्रेशन के हज़ारों केसेस आ रहे हैं। लोगों के घर बार छूट गए, लोगों के जो है ना जितने सोर्सेज ऑफ इनकम थे वो रहे ही नहीं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ा और इस वजह से कोई ना कोई दिक्कतें, आज अगर मैं समाज में बात करूं तो ज़ीरो टॉलरेंस चल रही है, जिसकी वजह से भाई भाई को सहन नहीं कर पा रहा है, घर में माँ बाप में झगड़ा हो जाता है ना, और वो कहीं ना कहीं पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, तो इस वजह से डिप्रेशन तो एक ये समझिए कि हमारे जीवन का एक रूटीन बन गया है। कुछ लोग इस डिप्रेशन के साथ मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। हमने जो इस सफ़र की शुरुआत इसीलिए की थी कि हम भी एक बहुत बड़े मास से जुड़ना चाहते थे, हम लोगों की तकलीफ़ों को सुनकर उसे
उसका एक बेहतरीन इलाज देना चाहते थे। और इसी के ज़रिए अभी आपके सामने ही मेरे पास एक बिटिया है, लहर बिटिया, और ये जब आई थी तो शी वॉज़ अंडर डिप्रेशन। और क्योंकि देखिए, कहते हैं कि मारते का आप हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते की जुबान नहीं पकड़ सकते। इस बिटिया को किसी कमबख्त ने ऐसे शब्द कह दिए जिसकी वजह से इसका जो मेंटल बैलेंस था वो बिल्कुल पूरी तरीके से बिगड़ गया। और मैं यहाँ इस बिटिया को रिकवर करने में ना सिर्फ हमारी पैथी ने योगदान दिया, हमारी मैम के जो साउंड थेरेपी हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। विद इन 7 डेज मैम ने उसे अपने आप का एहसास कराया, इस बिटिया ने एहसास किया, अपने आप को रियलाइज़ किया, जिसकी वजह से आज ये बिटिया अपने आप खुद आई है, बीच में मेरे पास क्लिनिक पे खुद चलकर आती रही है। आज इसके माँ बाप भी, इनके पेरेंट्स भी आए हैं, लेकिन ये अपने आप भी चलकर आती रही है। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने हमारी बिटिया को उसका उसके अपनेपन का एहसास कराया। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी जी। सबसे पहले तो हम लोग उस बिटिया के साथ ही बात करेंगे, बिटिया का सिम, जिसमें हम लोग कोई भी ऐसी बात हो जाती है जिसके साथ हमारा मन जो उदास हो जाता है, और उस उदासी से आपको कैसे मैडम ने और सर ने निकाला। क्या कहना चाहते हो कि पहले तो तुम्हें ऐसे लगने लग गया था कि ज़िंदगी बोझल सी है, मेरा तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, हर तरफ आपको हर बंदा नेगेटिव लग रहा था, और जैसे जैसे इन लोगों ने आपको थेरेपी दी कैसी चेंज आई, और आज हमारी ये बिटिया एक नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल बच्चे में वो चीज़ें नहीं हैं जो आप में अब आ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? चेंजेस तो बहुत आए हैं। तुम्हें लगता है कि जो आम तुम्हारी फ्रेंड्स भी हैं अब उनसे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेवल थोड़ा सा, क्योंकि आपने काउंसलिंग मैडम ने इतनी कर दी है, इतना कुछ समझा दिया है अपने आप को, तुम्हें लगता है कि हमने, मेरे मम्मी मेरे पापा, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है, हमें कोई कुछ कह देगा तो हमें उसके लिए रिएक्शन नहीं देना, लोग तो कहेंगे, लोगों की बातों में हमने बिल्कुल नहीं आना, और हमने एक बढ़िया ज़िंदगी गुजारनी। मैंने तो ये सिखाया, मेरे को तो ये सिखाया कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और अभी तुम जैसे अब तो मैं ठीक हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई साइड इफेक्ट है इन मेडिसन्स का, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि तुम्हें इन्होंने काउंसलिंग में भी ज़्यादा टाइम लगाया और ऐसे ड्रॉप्स दिए जिनके साथ और भी तुम्हारे में निखार आना शुरू हो गया, कि तुम तो ये लगने लगा कि मैं तो बहुत खुश हूँ। काउंसलिंग्स भी दी है उन्होंने, मेडिसिन भी दिया, बहुत चेंजेस आया मेरे अंदर, मैंने खुद को पहचाना। और आप खुश महसूस कर रहे हैं? हाँ, आप खुश महसूस कर रही हैं। बिटिया के साथ जिसकी डॉक्टर साहब एग्जांपल देते हैं उससे बात, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो दौर है जिसमें आप लोग प्री डायबिटिक पेशेंट हैं जो, उनको तो आप लोग नॉर्मेसी में ले ही आते हैं, बल्कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स को भी आप लोग एक बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए उसको एक कील दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही आपने सवाल पूछा है। मेरे पास डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जिनमें से एक पेशेंट का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मिसेस डूमा देवी। वो एक लेडी हैं जो किडनी फेल्योर के लेकर मेरे पास आई थी, और 1 महीना 10 दिन में हमने उसकी उनकी जो रिपोर्ट है उसको नॉर्मल लेवल के बिल्कुल नज़दीक ले आए थे, और उनकी जो स्वेलिंग थी वो कम हुई थी, साथ में वो डायबिटिक थी। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही हमने उनका HbA1c टेस्ट कराया, और उनका जो वो टेस्ट था वो नॉर्मल आया। ये हमारी एक बड़ी जीत थी। वो लेडी अपने पैरों से अब खुद चलकर आ रही है, और बड़ी खुशी से वो कह रही है कि यस, आप डॉक्टर साहब, आपने हमें एक बेहतर ज़िंदगी दी। जब इस तरह की दुआएं हमें मिलती हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। कि ऐसे ही एक मेरे पास पटियाला से एक पेशेंट आए, उनके फादर साहब को भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, और वो डायलिसिस पर नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ हमने उनको ट्रीट किया, उनको सारी चीज़ें समझाई, और आज की डेट में उनके पास यहाँ से मेडिसिंस जा रही हैं। नाउ ही इज़ हैप्पी कि यस, आपकी दवाइयों में असर है जी, और आपकी दवाई हमें संभाल कर चल रहे हैं। सर, अगर हम बात करें हार्मोन्स की, आज का जो सिनेरियो है जिसमें लड़कियों को PCOD बहुत ही अर्ली स्टेज में हो जाती है, और उसके लिए, और हम थायराइड की बात करें, थायराइड जो कि एक बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण मोटापा आ जाता है, कि लोग सूख जाते हैं, तो इन चीज़ों का जो ये तो लाजम माने जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार थायराइड हो गया आपको तो सारी ज़िंदगी आपको लेट्रोक्सन खानी पड़ेगी या आपको रिटार्ड वाला खाना पड़ेगा। और आप लोगों ने जो इस ऐसी चीज़ें थी जिनमें हमारी मेडिकल साइंस है जो थोड़ी सी वो
मतलब उसमें थी कि हम लोग इनको बचा कर रख जाते हैं कि पेशेंट जीता रहेगा लेकिन ये ठीक नहीं होगी, लेकिन उस उन चीज़ों में भी आपने इफेक्ट दिखाया अपना, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, उन चीज़ों में भी हमने इफेक्ट दिखाया। यहीं डेराबसी से एक लेडी, वो मुस्लिम है और शोहेब अपनी वाइफ को लेकर आए और मैंने कहा कि बेटा आप जो है चिंता ना करें, उसकी वाइफ को मैंने कहा कि आपका जो हाइपोथायराइड है ये ठीक हो जाएगा। मेरे को कौन कहता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, आप आए हो ना हमारे पास, तो बेटा आपको बिल्कुल 100%। और आज खुशी की बात है कि 4 महीने में उन्होंने 2 बार, 4 महीने हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद 2 बार फिर से उन्होंने टेस्ट कराया एंड वो टेस्ट नॉर्मल है। एंड वो इतने खुश थे कि अब उन्होंने मेरे पास बनारस से ओवरियन कैंसर का केस दिया है, जो कि 2 साल पहले वो कीमो करा चुके थे, 2 साल के बाद उनको फिर से ओवरियन कैंसर हो गया और उन्होंने उनका ट्रस्ट इतना जमा कि वो बोले जी आपके पास ही वो ठीक होंगी। और भगवान की दुआ से ओवरियन कैंसर का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ बनारस में, वो मेरी पेशेंट है और भगवान ने चाहा तो आप लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे। अंबाला से मेरा प्रोस्टेट कैंसर के मिस्टर रामलाल जी हैं, वो बिल्कुल अपना इलाज करा रहे हैं, 75 ईयर्स के हैं, ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, उनकी पूरी फैमिली हैप्पी है कि यहाँ से हमारा आस बंधी है, हमारा इलाज होगा। इवन दो कि आप ये लगाइए कि और भी बहुत सारी जो ढेर सारी बीमारियाँ हैं जिसका आप ये आप देखिए, हिमेटोचीजिया एक ऐसी जो मेलिना होता है, मेलिना में क्या होता है कि आपका स्टूल ब्राउन हो जाता है, हिमोरेज हो जाता है आपको इंटरनल ऑर्गन्स में, ये एक बहुत टिपिकल बीमारी है। और उसके बाद अगर वो हिमेटोचीजिया बन जाता है तो आपको एवरी डे फ्रेश ब्लड निकलेगा आपके रूटीन के स्टूल में, जब आप स्टूल पास करेंगे तो वहाँ मेरा एक चैनल चलता है सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ, और उसके थ्रू मेरे पास पाकिस्तान से एक शख्स जुड़े, उनका 17 साल का बेटा जिनको हिमेटोचेजिया है, और मैंने वहाँ के इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर से, क्योंकि बंदिशें हैं तो हम अपनी मेडिसिन वहाँ तक नहीं दे सकते, लेकिन हमने वहाँ एक हमारे मित्र हैं दिल्ली से डॉक्टर साहब, उनसे पूछा कि पाकिस्तान में कोई डॉक्टर आपका जानकार है, उन्होंने कहा है लाहौर में वो डॉक्टर महबूब, उनसे मेरी 1-1.5 घंटा बात हुई। मैंने कहा बात पाकिस्तान और भारत की नहीं है, बात है यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के विश्वास की, तो हमने इस बच्चे को बचाना है। और मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है सारी उनकी, जो बार बार उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनका जो फ्रेश ब्लड था विद इन अ वीक वो एडमिटेड थे और जो मॉडर्न साइंस है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पा रहा था, एवरी मंथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। लेकिन ऊपर वाले की मेहर देखिए, हम तो क्या होते हैं, हमने तो सिर्फ मेडिसिन बतानी थी, उन डॉक्टर साहब को हमने बताया कि इस तरीके से आपने मेडिसिन देनी है, इन इनका मिश्रण देना है, उन्होंने वैसे ही दिया, विद इन 7 डेज उनका जो फ्रेश ब्लड आ रहा था वो रुक गया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि हिमेटोचीजिया में भी हमने अपनी जीत हासिल की। सर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन और आपके साथ आपके वाइफ जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड और सेवा में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वो तो एक क्रिएटिव लेडी है जिसने एक नई नई चीज़ें निकाली हैं। और अभी आपकी साउंड थेरेपी हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों के साथ शेयर करें कि क्या वो थेरेपी है जिसके साथ आप लोग इवन इनफर्टाइल कपल्स को भी जो है संतान सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है और मैं तो बल्कि आज मैडम को मिस कर रहा हूँ, आज वो नहीं है कुदरती क्लिनिक पर और उनके बगैर तो मैं आधा फील करता हूँ, क्योंकि जब भी वो होती हैं कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, निसंदेह वो एक साउंड थेरेपिस्ट हैं और वो इस पैथी में भी हैं ऑलरेडी। तो साउंड थेरेपी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि देखिए वेव्स होती हैं, आपका माइंड जो है ना बहुत कुछ चीज़ें कहते हैं कि अगर आप हमेशा नेगेटिव रहोगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे और आपके आसपास की जो घटनाएं हैं वो नेगेटिविटी में ही होंगी। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल कैच द लाइक माइंडेड पीपल, तो इन द सेम वे तो मैम क्या करती हैं उन वेव्स के थ्रू माइंड के जो रिसेप्टर्स हैं, जो ब्लॉक्ड रिसेप्टर्स हैं, यानी कि एक कॉन्शियस माइंड होता है एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड को जागृत करती हैं और वो जब सबकॉन्शियस माइंड उनका जो जागृत होता है किसी भी पेशेंट का, तो बड़े से बड़े जो बीमारी होती है वो भी बिल्कुल गायब हो जाती है। दर्शकों, मैडम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी हम वीडियो वहाँ से वो अपने पिके गए हुए हैं, पहिर पे गए हुए हैं, उनकी भी वीडियो हम लोग उगाएंगे और 5 मिनट का उनका भी टॉक आपके साथ शेयर करेंगे। सर, आप तो एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, अभी आज हमने आपको टच किया है, आपके साथ पंजाब प्लस ने एक रिलेशन बनाया है,
हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप जैसे क्रिएटिव इंसान जो पाकिस्तान तक के भी पेशेंट्स को जो है एक ज़िंदगी दे रहे हैं, हमारा चैनल आपके साथ है और आपकी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो जो ये थेरेपी है इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी नई सरकार एक ईमानदार सरकार आई है और उनके माइंड में है कि हम लोग उन लोगों को बिल्कुल पुश करें जिन लोगों ने बहुत कम कीमत में और बढ़िया इलाज करके बिना कोई साइड इफेक्ट के अपनी मेडिसिन लोगों को बांटनी है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और थोड़ी देर पहले आपने एक चीज़ पूछी थी कि PCOD, आपके सामने ही वो पेशेंट बैठी है PCOD की, जो ना सिर्फ डिप्रेशन का केस थी और उसके साथ साथ PCOD भी उस बच्चे को हुआ था। नाउ शी इज़ फीलिंग फाइन। बेटा पहले जैसे PCOD की प्रॉब्लम थी, अब आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं? हाँ जी, मैं ठीक महसूस करती हूँ। थैंक यू। अभी हम एक जोड़े को ले रहे हैं जो कि डॉक्टर साहब और मैडम के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनके साथ मेडिसिन के साथ। सर क्या कहना चाहेंगे कि आप दोनों को ही रिलीफ जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ, पॉल क्लिनिक के साथ, डॉक्टर साहब और उनकी मैडम के साथ हुआ? यस सर। हाँ जी सर, अपनी डॉटर के कारण ही हम यहाँ पे आए, बहुत परेशान थे। अपनी डॉटर की वजह से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट है सर। और साउंड थेरेपी भी, मैं भी उसकी वजह से परेशान थी तो माइंड में मेरे भी बहुत तो डिप्रेशन था, तो मैडम ने मेरे को भी साउंड थेरेपी दी। मतलब कि सिर्फ मैंने 2 मिनट की ली, उससे इतना रिलैक्स मिला कि मेरी पूरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया। सर आपका क्या कैसा क्या आपका है IQ के बारे में? सर ऐसा है, मैं तो सर के साथ बहुत कम रहा हूँ, मेरी मैडम ज़्यादा टच में रही है, क्योंकि मैं तो बाहर जॉब करता हूँ। तो आज मैं खुद डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मैं मेरी मिसिज यहाँ लेकर आई है सर, अब मुझे मेडिसिन लेनी है और अपने को फिट कर महसूस करना। मैडम आपको लगता है कि ये भी फिट हो जाएंगे जैसे? यस यस, पूरा विश्वास है मेरे को, जैसे मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक है, अब मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि पॉलस। साउंड थेरेपी के बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, वो चीज़ों को अच्छे से लेना नहीं चाहता, वो चाहता है चीज़ें अपने आप हो जाएं। नहीं होती हैं तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। हमारी जो बीमारी है ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं। अगर हम सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लें तो बहुत सारी बीमारी सब कॉन्शियस माइंड की ताकत से ही दूर हो जाती हैं। तो हमारी पैथी, हमारी जो साउंड थेरेपी है, वो भी यही काम करती है, डायरेक्ट हमारी सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देती है कि जिस चीज़ की आपको कमी है उस चीज़ को आप पूरा करें। जैसे साधु संत होते थे, अपनी तपस्या के बलबूते पर अलग अलग तरह के रोगों को ठीक कर लेते थे। कोई भी ऐसी चीज़ होती थी, अपनी आँखों के ज़रिए, अपने माइंड के ज़रिए उन चीज़ों को तोड़ जोड़ सकते थे। सेम यही चीज़ें आज भी हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लें और ये बिलीव उन्हें दिला दें, ये एक फेथ उनके थ्रू हो जाए कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो सब कुछ संभव है। लेकिन ये सब हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो अलाउ करने ही नहीं देता है हमें इन चीज़ों के लिए। तो मेरी साउंड थेरेपी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पे अटैक करके उसे सही दिशा में मूव कराती है। तो जो चीज़ें मेडिसिन के थ्रू, एक बिलीव सिस्टम के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, किसी बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं, तो साउंड थेरेपी के थ्रू हम उसको और भी आधे टाइम में कवर कर सकते हैं। मेरे पास जो साउंड थेरेपी है वो जिम के लोगों के लिए भी बहुत उम्दा है। जैसे पेट का फैट है, उसको साउंड थेरेपी के थ्रू हम लोग मसल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हम लोगों ने डील किए हैं, जैसे हर तरफ से जिनकी मना हो गई थी,